दोस्तों क्या आप जानते हैं इस्लाम धर्म में क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? इमाम हुसैन कौन था? करबला मैदान में 72 साथियों के साथ शहीद क्यों हुए थे? इन 72 साथियों में पहला शहीद होने वाले का नाम क्या था? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मुहर्रम का इतिहास इमाम हुसैन से संबंध रखता है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना है। करबला का नाम सुनते ही मन खुद ब खुद कुर्बानी के जज्बे से भर जाता है। जब से दुनिया में ये युद्ध कामयाब हुए हैं, तब से लेकर अब तक ना जाने कितने बस्तियां बने और उजारे गए, लेकिन करबला की बस्ती के बारे में ऐसा कहते हैं, यह बस्ती सिर्फ 8 दिन में ही तबाह कर दी गई। 2 मुहर्रम 61 हिज्र में करबला में इमाम हुसैन के काफिला को जब दुश्मन फौज ने घेर लिया तो हुसैन साहब ने अपने साथियों को यही खेमा लगाने को कहा और इस तरह करबला की यह बस्ती बसी। इस बस्ती में इमाम हुसैन के साथ उनका पूरा परिवार और चाहने वाले थे। बस्ती के पास बहने वाली फिरात नदी के पानी पर भी दुश्मन फौज ने पहरा लगा दी। 7 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन साहब को दुश्मन ने करबला के तपते रेगिस्तान पर रोक लगा दिया। वहीं 9 मुहर्रम से हुसैन के पूरा काफिला पर पानी पीने का रोक लगा दी गई। पानी का एकमात्र जरिया इस दौरान फिरात नदी थे। हालांकि फिर भी इमाम साहब यजीद के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। उसी रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। 3 दिन का यह भूखा प्यासा कुनवा रात भर इबादत करते रहे। इसी रात 9 मुहर्रम की रात को इस्लाम में सबे आसूर के नाम से भी जाने जाते हैं। 10 मुहर्रम के सुबह इमाम हुसैन ने अपने साथी के साथ नवाज फर्ज अदा किया। इमाम हुसैन की तरफ से सिर्फ 72 लोग ऐसे थे जो मुकाबले में जा सकते थे। ऐसे में दोनों पक्ष के बीच में युद्ध की घोषणा हुई। दुश्मन की 80,000 फौज के आगे हुसैन के 72 लोग लड़ते रहे। हुसैन साहब के एक लोग ने यजीद के 70-70 लोगों पे भारी पड़े थे। एक के बाद एक हुसैन अपने साथियों और परिवार के लोगों को सबको दफन करते रहे। वहीं खुद प्यासा और दर्द के आगे भी वह विजय रहे। अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी हुसैन साहब जब करबला मैदान में आए, एक के बाद एक दुश्मन पर तलवार चलाते रहे। फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आते हैं और फरमाते हैं, ए हुसैन, जंग में आपकी जीत हुई। अल्लाह कहते हैं, अपना हाथ रोक लीजिए, नमाज की वक्त हो गई। आप हुसैन सुनते ही नमाज पढ़ने आते हैं। तभी दुश्मन उस पर तलवार चलाने आ जाते हैं। उसको देखते ही यजूद कांप उठा। उनका नाना मोहम्मद साहब का खौफ नजर आ रहे थे और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दुश्मन के सरदार कहते हैं, यही एक सही मौका है हुसैन को मारने का। ऐलान करके कहता है, जो हुसैन का सर कलम करेगा उसे सोना चांदी से माला माल कर देगा। जब हुसैन साहब सजदे में जाते हैं, धोखा से उनके सर तन से अलग कर दिया जाता है। अपने साथियों के साथ नेकी की राह पर चलते हुए शहीद हो गए और इस तरह करबला की यह बस्ती 10वें मुहर्रम में उजर गई। कौन था करबला में सबसे पहला शहीद? इमाम हुसैन ने खुदा की राह पर चलते हुए बुराई के खिलाफ करबला की लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में सबसे पहला शहीद थे इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर। जब दुश्मन फौज ने करबला की बस्ती के पास बहने वाली फिरात नदी पानी पर पहरा लगा दिया तो इमाम हुसैन के साथी और परिवार के पानी के बिना बुरा हाल हो गया, लेकिन वह नेकी के राह से नहीं हटे। इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर को जब प्यास से बुरा हाल हो गया, तभी अली असगर की माँ साहिदा रब्बा ने इमाम हुसैन को कहा, इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, शायद इसे पानी मिल जाए। जब इमाम हुसैन ने बच्चे को लेकर निकले और यजूद फौज से कहते कि इसे कम से कम पानी पिला दीजिए, उसके जवाब में दुश्मन के फौजी हर माला ने इसे 6 महीने के बच्चे के गले पर निशाना लगाकर ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर के गले को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजू में जा लगे। बच्चे ने बाप के हाथ पर तड़प कर अपनी जान दे दी। इमाम हुसैन के काफिले का यह सबसे नन्हा पहला शहीद थे। इसी महीने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। यजूद के सेना के विरुद्ध जंग लड़ते हुए इमाम हुसैन के पिता हजरत अली साहब समाज के लिए उनके परिवार मौत के घाट उतार दिए गए थे और मुहर्रम के 10वें दिन इमाम हुसैन की इस युद्ध में शहीद हो गए थे। इसी दिन से यह त्यौहार मुसलमान के प्रमुख त्यौहार में मुहर्रम का त्यौहार शामिल है। मुहर्रम के 10वें दिन ही मुहर्रम मनाया जाता है, जिसमें लोगों द्वारा तजिया निकाला जाता है। लकड़ी बांस के
रंगे बिरंगे कागज से तजिया सजाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन के मुताबिक मनाया जाता है। इसी जुलूस में इमाम हुसैन की सैनिक बन के साथ ही यूथ का कलाबाजी लोग दिखाते हुए चलते हैं। मुहर्रम के जुलूस में लोग इमाम हुसैन के याद में अपनी संविधान दर्शाने के लिए बाजा धुन बजाते हैं और गम में गीत यानी कि मातम के गीत गाते हैं। कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि सिख और सुन्नी दोनों मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने तरीकों से मुहर्रम मनाते हैं। कुछ लोग काले कपड़े पहनकर अपनी छाती पीटते हैं तो वहीं कुछ लोग मातम मनाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना